आज हम लोग छोटे बच्चों का नंबर सिस्टम बेसिक कर रहे हैं, ठीक है। तो नंबर सिस्टम का जितना भी बेसिक है, जितने भी टाइप्स ऑफ नंबर हैं, वो आज हम जान जाएंगे। किस तरह से देखो, सबसे पहले होता है नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर का होता है मतलब हिंदी में अगर आप जाने तो प्राकृतिक संख्या। आप हिंदी में बता दे रहा हूं, आप याद रखो या नहीं रखो, आपको इंग्लिश तो आना ही चाहिए। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो वन से स्टार्ट हो गए। वन से स्टार्ट होने का मतलब है कि वन के बाद वाले जो भी नंबर होंगे वो सारे के सारे नेचुरल नंबर होंगे। सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट मिलियन बिलियन ट्रिलियन जो भी है सारे नेचुरल नंबर होंगे। सो यहां पर एक चीज और भी ध्यान देना है कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर वन होगा, ठीक है। वन से स्टार्ट हो रहा है तो सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर वन होगा, जीरो नहीं होता। होल नंबर पूर्ण संख्या है। जो नंबर जीरो से स्टार्ट हो रहा है मतलब कि जीरो वन टू थ्री फोर, नेचुरल नंबर और होल नंबर में अंतर क्या है कि नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर में सारे ही नंबर आते हैं। होल नंबर मतलब कोई नंबर ही नहीं बचा, बट माइनस में नहीं, जीरो के बाद वाले जो भी नंबर आएंगे, जीरो के बाद पॉजिटिव आता है ना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो सबसे छोटा या स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होगा, जीरो, ठीक है। उसके बाद इंटीजर्स आते हैं। इंटीजर्स उसको कहते हैं जिसमें निगेटिव नंबर भी हो, जीरो भी हो और पॉजिटिव नंबर भी हो, ठीक है। नंबर लाइन बना के मैंने दिखाया है, बीच में अगर जीरो है तो राइट में चलेंगे तो पॉजिटिव वन टू थ्री फोर इस तरह बढ़ता जाएगा, और अगर लेफ्ट में जाएंगे तो निगेटिव माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर इस तरह से। ऑड नंबर वो होते हैं जिसको हिंदी में विषम संख्याएं कहते हैं, जो टू से डिवाइड नहीं होता। देखिए वन थ्री फाइव सेवन नाइन है ना, इलेवन थर्टीन फिफ्टीन सेवनटीन नाइनटीन इस तरह से, जो भी थ्री वन सॉरी टू से डिवाइड नहीं होता वो सारे के सारे क्या होते हैं, ऑड नंबर। इवन नंबर जो टू के टेबल में आता है या टू से डिवाइड होता है या जिसके लास्ट में जीरो टू फोर सिक्स या एट होता है, ठीक है। जो टू से डिविजिबल कौन होगा, जिसके बबुआ जिसके लास्ट में यूनिट प्लेस पे क्या हो, जीरो टू फोर सिक्स एट हो। जैसे मैं समझाता हूं, इसे मान लीजिए अगर मैं कहूं फोर टू सिक्स एट फोर टू फाइव जीरो फोर टू नाइन सिक्स फोर टू नाइन फोर, यूनिट प्लेस मतलब पहले नंबर पे फोर है सिक्स है एट है जीरो है, तो मतलब क्या हो गया, इवन नंबर हो गया, टू से डिवाइड होगा ना। प्राइम नंबर को हिंदी में रूढ़ या अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य जो भाज्य ना हो, जो डिवाइड ना हो सके, काट ना सके हम जिसको, तो जो वन से डिवाइड हो या अपने आप से उसको प्राइम नंबर कहते हैं। या तो वन से तो सारे नंबर डिवाइड होते हैं, ठीक है, और नहीं तो खुद से होगा और किसी भी नंबर से नहीं। इसका मतलब जिसके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, जैसे दो दो टू किससे कटता है, या तो वन से नहीं तो टू से, थ्री वन और नहीं तो थ्री फाइव सेवन इसी तरह, ये किसी से नहीं कटता, या तो अपने से कटेगा और नहीं तो वन से, उसको प्राइम नंबर्स कहते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर टू होता है। वन क्यों नहीं, क्योंकि वन का तो एक ही फैक्टर हो गया ना, वन तो वन से ही कट रहा है और दूसरा तो नंबर नहीं है, इसलिए हम लोग वन को सबसे छोटा प्राइम नंबर नहीं कहते, टू को सबसे छोटा प्राइम नंबर कहते हैं। समझ आया, टू को सबसे छोटा प्राइम नंबर इसलिए कहते हैं क्योंकि प्राइम नंबर होने के लिए दो फैक्टर तो जरूरी है, एक खुद से कटे और एक वन से। अब कहेंगे सर वन तो वन से भी कट रहा है खुद से भी, ये तो कंफ्यूजन वाली बात होगी ना, तो ऐसा नहीं होता। कंपोजिट नंबर्स भाज्य या यौगिक संख्या, ठीक है, इसका मतलब जिसके दो से अधिक फैक्टर। प्राइम नंबर जो दो ही फैक्टर होते हैं, दो ही नंबरों से कटता है, और कंपोजिट नंबर कम से कम तीन फैक्टर होने ही चाहिए। जैसे फोर वन से भी कट रहा है, टू से भी कट रहा है और फोर से भी डिवाइड होता है ना। अगर सिक्स की बात करें तो वन टू थ्री सिक्स एट, वन टू फोर एट, और मैंने भी बताया भी था, अगर मान लो मान लीजिए कि अगर मैंने फाइव ले लिया तो फाइव वन से कट रहा है और फाइव से कट रहा है, दो ही नंबरों से कट रहा है ना, वन से और फाइव से कट रहा है, बस दो ही नंबरों से कट रहा है, ठीक है। तो ये क्या आपका
कंपोजिट नंबर होगा नहीं, क्योंकि कम से कम तीन फैक्टर तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है फोर, ठीक है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है? फोर होता है। आगे देखिए, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर इसको हिंदी में कहते हैं जुड़वां अभाज्य संख्या है। तो जुड़वां पे, अभाज्य संख्या पे कोई फोकस मत करिए, बस आपके लिए हिंदी लिख दिए, आपको ट्विन प्राइम नंबर जाना है। ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिनके बीच में एक नंबर का गैप हो, और वो नंबर कैसा होना चाहिए? जो कि इवन नंबर होना चाहिए। जैसे देखो, थ्री और फाइव दोनों प्राइम नंबर है ना, थ्री और फाइव, या तो वन से कटेगा नहीं तो अपने आप से, और बीच में गैप किसका है? फोर का। फोर आपको पता है कंपोजिट नंबर है। फाइव और सेवन, उसके बीच में एक ही नंबर का गैप है, लेकिन सेवन और नाइन नहीं ले सकते, क्योंकि नाइन क्या हो जाएगा? एक कंपोजिट नंबर, क्योंकि वन से भी कटता है, थ्री से भी कटता है, नाइन से भी, तीन फैक्टर हो जाएंगे तो कंपोजिट नंबर हो जाएगा ना, और हमको प्राइम देना है। सर मेरा देखो, मैं दिखाता हूं। जैसे अगर मान लो मैंने ले लिया सेवन ले लिया और नाइन ले लिया, तो इसके बीच में एट तो सही है, लेकिन नाइन की अगर बात करेंगे तो नाइन के तीन फैक्टर, वन थ्री और नाइन, तो ये तो कंपोजिट नंबर हो गया ना, और हमको ट्विन प्राइम चाहिए, तो दोनों प्राइम होने चाहिए, इसलिए हमने सेवन और नाइन नहीं लिया, इलेवन और थर्टीन लिया। समझ मेरे बात? आगे देखिए, कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब क्रमागत संख्या है, माने सीरीज में नंबर हो और उन नंबर्स के बीच का गैप बराबर हो। जैसे अगर बात करें टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व, तो सबके बीच में एक एक नंबर का गैप है। अगर थ्री सेवन इलेवन फिफ्टीन करें तो तीन तीन नंबर का गैप है। एक सीरीज बननी चाहिए, सीरीज सिखाए ना रीजनिंग में, तो सीरीज जैसा बनना चाहिए, तब उसको कहेंगे कॉन्जिक्यूटिव नंबर या क्रमागत संख्या। कर दिए काम? अरे वीडियो बनने क्या कर रहे हो यार? देखिए, तो ट्विन प्राइम नंबर समझ में आया, जिनके बीच में एक ही नंबर का गैप हो, दोनों जो पेयर्स होंगे वो तो होंगे प्राइम नंबर, लेकिन जो बीच में नंबर होगा वो कंपोजिट होना चाहिए, मतलब डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है, और एक ही नंबर का गैप होगा। जैसे आपके सामने है यूनिट डिजिट, मतलब ये क्या है? संख्या है, वन से नाइन तक सारे नंबर्स की यूनिट डिजिट करते हैं। कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ये मैंने बता ही दिया था अभी आपको, क्रमागत संख्या, ठीक है, जिनके बीच में गैप इक्वल हो, जैसे टू फोर सिक्स एट टेन या थ्री सेवन इलेवन थर्टीन में तीन तीन का गैप है, उसे वन वन का गैप है। अब देखो, दो नंबर्स हैं, ये तुम लोगों के लिए थोड़ा नया होगा सिक्स क्लास के लिए, स्क्वायर नंबर्स और क्यूब नंबर। इसको समझने का बस यही तरीका है, स्क्वायर नंबर्स, किसी भी नंबर को टू टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे जो नया नंबर मिलता है उसको हम स्क्वायर नंबर्स कहते हैं। जैसे टू का स्क्वायर है ना, ये टू का स्क्वायर है, दो पावर दो मतलब स्क्वायर, तो दो गुने दो टू मल्टीप्लाई बाई टू, तो आंसर फोर आ गया, ठीक है। तो फोर क्या हो गया? एक स्क्वायर नंबर हो गया ना। नाइन का स्क्वायर, नाइन इंटू नाइन एट्टी वन आ गया। तो जब टू टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर नंबर मिल जाएगा हमको। अब मैं कहूं कि एट्टी वन किसका स्क्वायर है, तो आंसर आएगा नाइन, ठीक है ना। अगर मैं कहूं फोर किसका स्क्वायर नंबर है, तो कहेंगे टू का, समझ। अब हम बात करते हैं क्यूब नंबर, मतलब जो तीन सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है। जैसे टू का क्यूब, तो थ्री टाइम्स टू को मल्टीप्लाई, टू टू जा फोर, टू जा एट, थ्री का थ्री, थ्री जा नाइन, थ्री जा ट्वेंटी सेवन, फोर फोर जा सिक्सटीन, फोर जा सिक्सटी फोर, है ना। और उसी तरह फाइव को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वन ट्वेंटी फाइव, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, फाइव जा वन ट्वेंटी फाइव, और सिक्स सिक्स जा थर्टी सिक्स, सिक्स जा टू हंड्रेड सिक्सटीन, ठीक है। तो आपको नंबर सिस्टम में ये बेसिक है। अब हम लोग कल करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन आते, इतना आपको अच्छे से घर से रिविजन करके आना, ओके।